शिव पूजा के समय विभिन्न प्रकार के प्रसाद भगवान भोलेनाथ को समर्पित किए जाते हैं और लोग इसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। हालांकि कुछ विशेष मत है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, जिससे भक्त शुभ आशीष प्राप्त करते हैं। पूजा के दौरान भोलेनाथ को उनकी पसंद का भोग भी चढ़ाया जाता है। कई लोग शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या यह सही है या नहीं, इस पर धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न नियम हैं और शिव और शिवलिंग की पूजा के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग को अंत में भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में नहीं खाने की सलाह दी जाती है और इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महादेव के मुख से भूत प्रेत का प्रधान चंडेश्वर प्रकट हुआ था और इसी कारण शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग चंडेश्वर का हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से इस भोग को ग्रहण करना अनुचित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग नदी में प्रवाहित करना उचित है।